जी मोनू सैनी। जहां यूपी पुलिस अपने भ्रष्ट कारनामों को लेकर के पूरे प्रदेश में पूरी तरह से बदनाम है, आज वही जनपद शामली के कांधला में पुलिस वालों को एक अनोखा दृश्य देखने के लिए मिला, जिसे जनता देखकर आश्चर्यजनित हो गई। दरअसल आपको बता दें कि आज सुबह से ही यूपी पुलिस ने जनपद शामली के कांधला पुलिस ने आज कांधला थाने के सामने जल का प्याऊ लगा के लोगों को शरबत पिलाते हुए नजर आए। भ्रष्टाचार के मामले में बदनाम यूपी पुलिस का योगी सरकार में नया ही चेहरा देखने को मिला। विषम गर्मी में आज पुलिस वालों को जनता को शरबत पिलाया जाते देखा गया। यूपी पुलिस अपने कारनामों का भ्रष्टाचार के लिए पूरे प्रदेश में बदनाम है। एक हाई कोर्ट के जज ने ये टिप्पणी कर दी थी कि यूपी पुलिस से बड़ा कोई लुटेरा नहीं है, लेकिन आज कांधला थाने पर एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जहां पुलिस कर्मी लोगों को भीषण गर्मी में शरबत पिला रहे थे। लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि यूपी पुलिस के अंदर यह मानवीय चेहरा कहां से उजागर हो गया। जब इस संवाददाता ने जानकारी ली, तब इंस्पेक्टर रावत ने बताया कि यह आयोजन थाना अध्यक्ष ओपी चौधरी की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि आज निर्जला एकादशी है। इसका हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। इस दिन आम जनता को भोजन व चावल लगाकर लोगों को ठंडा शरबत पिलाया जाता है। इसका अपना अलग ही पुण्य होता है। आज भीषण गर्मी में सुबह से ही पुलिस वालों ने थाने के बाहर स्टॉल लगाकर लोगों को शरबत पिलाया शुरू कर किया, तो वह आम जनता की भीड़ लग गई। इस कार्य की शरबत सराहना कर रहे थे कि पुलिस के अंदर भी कुछ संवेदनाएं बाकी है। साथ ही योगी सरकार को साधुवाद दे रहे थे कि उन्होंने पुलिस कर्मियों की मानसिकता को बदल रहे हैं, जिससे वह जनता के मानवीय दृष्टिकोण से देखे। थाना अध्यक्ष की तरफ से कैंप लगाया गया। अच्छा सर, आपको ये सेवा भाव की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं हमेशा एकादशी का व्रत रखता हूँ और औरों से भी अपेक्षा करता हूँ कि सभी लोग एकादशी का व्रत रखें। आज मेरा एक निर्जला एकादशी का व्रत है और आज मैंने अपने साथ एक आदमी काउंसिल केशव को जोड़ा है, वो अभी आज से निर्जला एकादशी का व्रत रखेगा। सर, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये तो ईश्वर की कृपा है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी अवेलेबल।